जी एहसन इकबाल साहब जी, जी माननीय सभापति, मैं सिर्फ एक मिनट मैं भी लेना चाहता था। मोहतरम वजीर तालीम चले गए हैं हमारे तरफ इशारा करके, जो मैट्रिक और एफएससी के बच्चों का मसला था इम्तिहान का, मैं वाजे करना चाहता हूँ कि किसी ने ये नहीं कहा था कि वो इम्तिहान ना देना चाहते हैं ना उनका लिया जाए। अगर वजीर तालीम साहब कहते हैं कि हमने फैसला किया था कि उनका इस साल इम्तिहान लेना है, तो काश वो ये फैसला भी करते कि उनको निसाब मुकम्मल करा के इम्तिहान लेना है। हमने ये मसला इसलिए उठाया था कि लाखों बच्चे और बच्चियां ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिलेबस भी मुकम्मल नहीं कराया गया और हमें ज़बरदस्ती इम्तिहान में बिठाया जा रहा है, जिससे हमारा तालीमी कैरियर ख़राब होगा। तो जनाब चेयरमैन, मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने जहाँ इम्तिहान लेना था वहाँ उसकी ये भी जिम्मेदारी थी कि निसाब मुकम्मल कराया जाता, लेकिन निसाब मुकम्मल कराए बगैर ये इम्तिहान लेना उनके साथ ज्यादती है। और हमने ये तजवीज़ दी थी कि जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है आप उसको एनुअल एग्जाम डिक्लेयर कर दें और कुछ वक्त मिल जाएगा जिससे इन बच्चों और बच्चियों को तैयारी का वक्त मिल जाएगा। और इनसे ना करूंगा कि जब कोविड शुरू हुआ तकरीबन डेढ़ दो साल पहले, तो उसके ऊपर जब बहस हुई इस ऐवान में, मुझे याद है मैंने उस वक्त वजीर तालीम साहब को ये दस्त बदस्ता कहा था कि तालीम के शोबे में अब इनका फर्ज है कि ये क्रैश प्रोग्राम बनाएं, टीचर्स ट्रेनिंग करें कि किस तरह बच्चों को और बच्चियों को, स्टूडेंट्स को मुख्तसर वक्त में हम मेकअप कराएंगे। दो सालों में कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आई ग्राउंड के ऊपर सिलेबस मुकम्मल कराने की। अब वजीर साहब का ये इस्तदलाल कि जी हमने फैसला कर लिया था इम्तिहान लेने का, हमने तीन महीने बाद लिए, आप तीन महीने छोड़ के छः महीने बाद भी लें, अगर आप सिलेबस मुकम्मल नहीं कराते तो आप ज्यादती और जुल्म कर रहे हैं। आप अगर सिलेबस मुकम्मल करा दें तो आप मुकर्रा वक्त के ऊपर ले लें, किसी को एतराज नहीं होगा। लिहाजा अब भी सिर्फ वजीर मौसूफ की जिद और अना हायल है लाखों बच्चों और बच्चियों के मुस्तकबिल में। मैं उनको कहूंगा, उन्होंने भी अशराफिया की बात की, ये एक अशराफिया की निशानी है कि आप ग्राउंड रियलिटी से कटे हुए हैं। मैं एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखता हूं, मेरे इलाके में बच्चों और बच्चियों को मौका नहीं मिला कि ऑनलाइन वो एजुकेशन ले सकें, वो अपना सिलेबस खत्म करा सकें, उनके स्कूलों कॉलेजेस के अंदर कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं किए गए क्रैश कोर्सेज के जिसके जरिए वो सिलेबस मुकम्मल करते। लिहाजा बराए मेहरबानी 6 हफ्ते 45 दिन इम्तिहान को मौखर करें या सप्लीमेंट्री को आप एनुअल डिक्लेयर दें, क्रैश प्रोग्राम बनाएं, सिलेबस मुकम्मल करें, इन बच्चों और बच्चियों के मुस्तकबल से ना खेलें। हम इस पे सियासत नहीं कर रहे, हम अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, चूंकि ये बच्चे और बच्चियां हमारे